नमस्कार। कक्षा प्रथमा विषय हिंदी पाठ 20 पेड़ पौधे। आज हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधों के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देती हूँ। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को उगाना चाहिए और उन्हें प्रतिदिन पानी पिलाकर बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए और पेड़ों को बचाना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। ये किसका चित्र है? अनार के पेड़ का। किसका चित्र है? अनार के पेड़ का। ये बगीचे में पेड़ लगे होते हैं और ये अनार पेड़ पर उगी हुई होती है। हमें भी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमें भी फल प्राप्त हो। अनार का रंग लाल होता है और ये खाने में अच्छी लगती है। ये किसका चित्र है? बरगद के पेड़ का। किसका चित्र है? बरगद के पेड़ का। ये बहुत ही बड़ा और घना होता है, इसे सबको छाया मिलती है। इसके ऊपर पेड़ पर पक्षी बैठते हैं, पक्षी अपना घोंसला भी बनाते हैं। बरगद की शाखाएं लंबी होती है और चौड़ी होती है। ये किसका चित्र है? तुलसी के पौधे का। किसका चित्र है? तुलसी के पौधे का। तुलसी हर घर के आंगन में होती है और जहाँ तुलसी होती है वहाँ शांति का निवास होता है और घर में लोग इसकी पूजा करते हैं। इससे दवाएं भी बनती है, जैसे खांसी जुकाम में तुलसी के पत्ते खाने से खांसी ठीक होती है और ये चाय में भी डाले जाते हैं, चाय में सुगंध आती है अच्छी। ये किसका चित्र है? आम के पेड़ का। किसका चित्र है? आम के पेड़ का। पहले आम से कच्ची कैरी बनती है, कच्ची कैरी के बाद आम पकने लगते हैं और आम जो है खाने में अच्छे लगते हैं और आम फल है, ये पीले रंग का होता है। आम के बड़े बड़े बाग होते हैं और आम के पेड़ बड़े होते हैं, बहुत सारे आम लगे होते हैं। ये किसका चित्र है? अमरूद के पेड़ का। किसका चित्र है? अमरूद के पेड़ का। ये अमरूद बाहर से तो हरे रंग के होते हैं और अंदर से पीले और लाल रंग के भी होते हैं और ये पेड़ पर उगे होते हैं। ये किसका चित्र है? केला का पेड़। किसका चित्र है? केला का पेड़। केला का पेड़ लंबा होता है और इसमें केले गुच्छे में उगे हुए होते हैं। केले पहले कच्चे होते हैं और लोग इसको सब्जी बनाने में भी काम लेते हैं और पकने के बाद खाने में काम लेते हैं। ये भी फल है और ये मीठा होता है खाने में। केले के पेड़ के पत्ते बड़े